हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आपको केएलडी क्लासेस के माध्यम से समय समय पर इन्फॉर्मेशन दी जाती है, चाहे भारत के बारे में हो, नेपाल के बारे में हो, कुछ भी कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो आज हम इसी क्रम में प्रोवाइड करेंगे कि नहीं है कोई ज़मीनी विवाद भारत और नेपाल के बीच में। ऐसा अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो गलत बात है, लेकिन कुछ ऐसे डाटा हैं, कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन आई है कि जिसके माध्यम से मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा कि नहीं है कोई ज़मीनी विवाद भारत और नेपाल के मध्य में। तो चलिए शुरू करते हैं कि कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है और किस आधार पे मैं कहूँगा कि नहीं है कोई ज़मीनी विवाद दोनों देशों के बीच में। भारत नेपाल के बीच काला पानी के साथ साथ लिपू लेक क्षेत्र की सीमाओं को लेकर पैदा हुआ जो अभी हाल ही में विवाद हुआ है, लगभग नवंबर से ही कह सकते हैं, नवंबर 2019 से, उसके बाद मई में शुरू हो गया हुआ विवाद, नक्शे और राजनीतिक रूप से भले ही दिखाई देता हो लेकिन प्रकृति की जीवन सीमा पर इसका अस्तित्व ना के बराबर है। आप कितने भी लड़ाई झगड़े चाहे दोनों ओर से कर लें कि ये हमारा हिस्सा है, ये इनका हिस्सा है, लेकिन फिर भी जो प्रकृति के हिसाब से अगर देखा जाए तो दोनों के बीच में कोई भी ज़मीनी विवाद नहीं था, न पहले ही था, न आज है और न आगे भी कभी होगा। दरअसल 1800 किलोमीटर की भारत नेपाल बॉर्डर वर्ष भर मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। यहाँ कोई ऐसी लाइन नहीं है जिसे आधार मानकर कहा जाए कि यह हिस्सा नेपाल का है और यह हिस्सा भारत का है। ठंड के दिनों में यहाँ की नदियाँ जम जाती हैं और जो आपका जियोग्राफी है वो बदल जाती है। वहीं गर्मी के दिनों में यही नदियाँ पिघलकर बॉर्डर को नया आकार दे देती हैं, जबकि मानसून में बाढ़ के कारण इस बॉर्डर का ना कोई आकार रहता है और ना ही कोई वैल्यू रहता है। आपने देखा होगा कि जब बाढ़ का मौसम अब आने वाला है, बरसात आने ही वाला है, दोनों देशों में एक ही साथ लगभग आता है, तो ऐसे में हजारों हेक्टेयर जमीन उधर के अर्थात नेपाल के भी डूब जाते हैं और उसी के साथ साथ जो बिहार का एरिया है, उत्तर प्रदेश के कुछ एरिया है जो इसी बाढ़ के कारण से डूब जाते हैं। भारत और नेपाल के बीच बहने वाली तकरीबन 6000 नदियाँ इस बॉर्डर का निर्धारण करती हैं। यहाँ ना कुछ अस्थाई है और ना ही कुछ स्थिर है, समय के अनुसार बदलता है, ठंडी में कुछ हो जाएगा, गर्मी में कुछ, बरसात में कुछ, तो ऐसे में डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि कौन सा एरिया नेपाल का होगा, कौन सा एरिया भारत का होगा, इसलिए समस्याएं हर समय पैदा होती है। इसलिए पिछले आप 60 साल से भी कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में सही से निर्धारण नहीं हो पाया कि कौन सा हिस्सा किसका है और कौन सा हिस्सा किसका नहीं है। सच तो यह है कि प्रकृति देश की भौगोलिक सीमाओं को नहीं जानती है और ना ही उन्हें लेकर जारी किए गए नक्शे को। ये ऐसी बात सिर्फ भारत और नेपाल के बीच में नहीं है, ऐसा ही विवाद, ऐसे ही प्रकृति को लेकर भारत और चीन ऐसे दुनिया में कई देशों के बीच में होता रहता है। देखा जाए तो नेपाल भारत की सीमा पर प्रकृति के व्यापक मौसमी बदलाव के बीच इन बदलती सीमाओं पर बसे दोनों देशों को लोग ना नक्शे की सीमाओं को मानते हैं और ना ही जानते हैं कि इन लोगों को संसद में पेश किए नक्शे भी कोई परवाह नहीं रखते, चाहे वो भारत के लोग हों जो बॉर्डर एरिया पे रहते हैं या नेपाल के लोग हों। पहले भी ऐसा होता रहा है और आज भी जब नेपाल ने 18 जो मई को अपना एक तरह से नया अपना बॉर्डर मैप जारी किया, उसको भी लोग वहाँ के लोग नहीं मानते हैं। सरकार के मानने से नहीं होगा, क्योंकि वहाँ के लोग जब तक नहीं मानेंगे आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते। एक तरह से सीमाओं के इस विवाद का निपटारा नई दिल्ली और काठमांडू नहीं बल्कि यहीं के लोग करेंगे जो जिंदा हैं और उनके जीवन संबंध सीमाओं से परे हैं। विवाद और समाधान का रास्ता इन्हीं के दिलों से होकर गुजरेगा। दरअसल भारत और नेपाल के बीच प्राचीन संबंध रहे, आज से नहीं है कि एक साल दो साल का रिलेशन है कि जब चाहो तोड़ लो, ऐसा नहीं है, पूरी सदियां बीत गई हैं। संबंधों की यह डोर इतनी महीन और गहरी है कि यह संबंध बेटी रोटी का संबंध है। इसके बारे में आप विस्तार से जानते ही होंगे। यह संबंध ब्याह शादी के हैं, रक्षाबंधन के हैं और उत्सव और त्योहारों के हैं। जो त्यौहार भारत में मनाए जाते हैं वही त्यौहार नेपाल में भी मनाए जाते हैं, तो दोनों के बीच में ऐसे रीति रिवाज, सांस्कृतिक, धार्मिक हर आधार पे दोनों देशों में बहुत ही अधिक समानता है। भारत देश में लगभग 30 लाख से ज़्यादा नेपाली रहते हैं और इसी के आधार पे आप देख पाएंगे कि लगभग करोड़ों लोग कह सकते हैं कि भारत के लोग नेपाल में भी रहते हैं और इन्हें यहाँ रहने, यहाँ की सेना में शामिल होने और बॉर्डर में बिना किसी पहचान पत्र और दस्तावेज के प्रवेश कर भारत में घर बनाने तक का भारत सरकार ने अधिकार दे रखा है। यहाँ पे आप नौकरी भी कर सकते हैं। यहाँ के शहरों में नेपालियों के नाम जमीन जायदाद और संपत्ति भी है। ऐसा हर देशों के पास अधिकार नहीं होता है, जैसे कोई पाकिस्तान से आएगा तो भारत में उस तरह से बस एक लिमिट तक रह सकता है, लेकिन नेपाल के लोग भारत में आके आसानी से जमीन जायदाद हर प्रकार की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, जैसा एक भारतीय व्यक्ति जो नागरिक होता है वो प्राप्त करता है।
नेपाल के लोगों का भारत में घर है, रिश्तेदार हैं। जाहिर सी बात है कि एक सामान्य नेपाली जिसे भारत में सभी सुविधाएं मिल रही हैं, जिसे दूसरे देश में भी अपने जैसा अनुभव हो रहा है, तो उसके लिए भारत नेपाल बॉर्डर का कोई वास्तविक अर्थ नहीं रह जाता कि बॉर्डर ही रहेगा तभी डिसाइड होगा कि ये एरिया इनका है, ये एरिया इनका है। जब रहना है वही सुविधाएं भारत में मिल रही है, वही सुविधाएं नेपाल में मिल रही है, चाहे वो भारत के लोग हों या नेपाल के लोग हों। संपत्ति और सुरक्षा के अधिकार बिल्कुल उसी तरह से हैं जैसे भारत में एक भारतीय नागरिक की तरह होती है। ऐसे में लिपुलेख और काला पानी के नक्शे केवल सियासी शोर में जाकर ख़त्म हो जाते हैं, और जब बैठक की बात आती है तो सारा मुद्दा वहीं ख़त्म हो जाता है कि वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, बॉर्डर के जो एरिया के लोग हैं उनका क्या मकसद है, क्या इसी तरह से जो तालमेल बना हुआ है, इसी तरह से जो धार्मिक हर आधार पे जो रिलेशन बना हुआ उसी तरह से बना रहे, या बॉर्डर को सील कर दिया जाए और सभी लोग एक डिसाइड हो जाए कि आप अपना काम, अपना जो भी है इस तरह से जो अधिकार दिया गया आप उतने में ही सीमित रहें। इसीलिए आज तक इसका निर्धारण नहीं हो पाया। बात यदि नक्शे पर दिखाए गए इलाकों की भी करें तो काला पानी क्षेत्र में रह रहे लोगों को भी नहीं पता कि भारत और नेपाल को बांटने वाली बॉर्डर लाइन कहाँ पे है, कहाँ से दोनों देशों का बॉर्डर का निर्धारण होता है कि ये हिस्सा नेपाल का है या ये हिस्सा भारत का है। जबकि बूढ़ी और गुंजी जैसे इलाके वर्ष भर निर्जन अर्थात सुनसान ही रहते हैं, जनसंख्या ना के बराबर ही माने, यहाँ कोई आता जाता नहीं है, जिस हिस्से को लेकर आज भारत और नेपाल के बीच में डिस्प्यूट हुआ है। हाँ, आधी सदी पहले यहाँ से कुछ लोग मानसरोवर यात्रा में भागीदार थे, लेकिन अब वह अभी नहीं है। मानसरोवर यात्रा भी अब यहाँ के स्थानीय लोगों की मदद से कुमाऊं विकास मंडल निगम, जो आपका KMPN, इसके माध्यम से ही अब कोई व्यक्ति मानसरोवर की यात्रा करता है। सुगौली संधि जो 1816 की बात की जाती है, जो ब्रिटिश सरकार और नेपाल के मध्य में हुआ था, सुगौली संधि 1816 की बात करें तो नेपाल कुटी यांती को काली नदी मानता है, लेकिन भारत देश जिस जलधारा को काली नदी मानता है वह काला पानी से निकलती है। भारत सरकार का कहना है कि 1875 के नक्शे में भी काली नदी का उद्गम काला पानी के पूर्व में दिखाया गया था। उस क्षेत्र में काली चट्टानों के कारण से ही नदी का जो रंग है वो काला नजर आता है, इसलिए नदी को काली नदी नाम दिया गया था। यह जलधारा निश्चित रूप से कुटी यांती से आकार में छोटी अवश्य है, मगर उत्तराखंड या भारत की नहीं बल्कि विश्व में अनेक ऐसी ही नदियां हैं जिनमें बाद में बड़ी नदियों के मिलने पर भी छोटी नदियों का नाम ही मूल नाम आगे चलता रहता है। उत्तराखंड में टांस नदी यमुना से आकार में कहीं ज्यादा बड़ी है, मगर जब वह देहरादून के निकट डाक पत्थर में यमुना से मिलती है तो अपना नाम खोकर यमुना ही हो जाती है। इसी क्षेत्र में आकार में बड़ी गोरी नदी भी संगम के बाद नाम खोकर कूटी ही हो जाती है। तो ऐसा ही है जो काली नदी है जिसके लिए आज विवाद हो रहा है, तो वही है कि उसका जो पुराना नाम है आज भी उसे छोटी नदियां हैं उसको भी काली नदी के नाम से ही जानते हैं। कुल मिलाकर सुगौली संधि काली नदी पर आधारित है। इस संधि के अनुसार ये नदी भारत और नेपाल की बॉर्डर का काम करती है। भारत और नेपाल दोनों में इस नदी का बहुत ही अधिक महत्व है दोनों देशों के लिए। काली नदी काला पानी से निकलती है, जहां पर एक मंदिर भी है। प्रत्येक मानसरोवर यात्री काला पानी में रुकता है और मंदिर में दर्शन कर दान पुण्य करता है। लोगों में इस जगह के लिए वैसा ही विश्वास है जैसा भारतीय हिंदुओं के लिए गंगा नदी और यमुना नदी के उद्गम स्थल जैसे गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए। एक तरह से नेपाली लोगों का ये मानना है कि कुटी यांती को काली नदी के सोर्स के रूप में माना जाना चाहिए, लेकिन सार्वजनिक तौर पर सुगौली संधि जो कहता है 1816 उससे बहुत ही अलग है, इसलिए दोनों देशों के बीच में ऐसे विवाद समय समय पर उठते रहते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भारत नेपाल बॉर्डर विवाद इसलिए भी होता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी बॉर्डर प्वाइंट नहीं है कि जिसके आधार पर यह डिसाइड हो कि दोनों देशों का सीमा का निर्धारण यही है। 1961 के चीनी नेपाली समझौते में बॉर्डर पिलर नंबर 1 काली और तिनकन के बीच में स्थित है, तो यहाँ पे ये पिलर भी लगाया गया है और यहाँ पे नीचे एक लाइन लिखा भी है, आप इसे पढ़ सकते हैं। पिलर नंबर 1 एट तिनकर पास सीन फ्रॉम द नेपाल साइड लुकिंग नॉर्थ इंटू तिब्बत, इमेज यहाँ पे ये सब लगाया गया है, आप इसे मान सकते हैं। तो यही दिया गया है कि ये जो पिलर नंबर 1 है ये काली और तिनकर के बीच में स्थित है, न कि लिम्पिया धुरा में। कई लोगों का मानना है कि लिम्पिया धुरा से भारत तिब्बत व्यापार किया जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। भारत तिब्बत व्यापार हमेशा लिपुलेख से होता रहता है। लिपुलेख को भारत तिब्बत संधियों में व्यापार और लोगों के लिए भूमि पारगमन के लिए एक बिंदु के रूप में पहचाना गया, और दोनों देश के बीच में, चीन और भारत के बीच में,
जो 2015 में एक समझौता हुआ था वो इसी के माध्यम से यहीं पे रोड बनाने की बात की गई थी लिपू लेक से ही। नेपाल के लोग भारत में अपना कारोबार करते हैं। भारत के नेपाल के साथ सिर्फ व्यापारिक ही नहीं धार्मिक और सांस्कृतिक रिश्ते भी हैं। इस प्रथा ने हमेशा भारत नेपाल को एक दूसरे को समझने की अनुमति दी है। दोनों देशों के बीच में बहुत ही ऐतिहासिक धार्मिक हर आधार पे रिलेशन आज से नहीं हजारों साल पहले से दोनों देशों के बीच में बना हुआ है। क्योंकि काला पानी के भारत के मानचित्र में होने के बाद भी नेपाल के किसी भी व्यक्ति को किसी तरह से कोई परेशानी नहीं है। उन्हें रस्सी के पुल को पार कर भारत में आने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे किसी भी तरह से लॉकडाउन हो या कुछ भी हो, लोग आते जाते रहते हैं। वे भारत आकर व्यापार कर सकते हैं, प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। आप सभी को जानकारी होनी ही चाहिए कि यहाँ से भारत में प्रवेश करने वालों का भूमि जो रिकॉर्ड होता है वो पिथौरागढ़ जो जिला है वहाँ पर रखा जाता है कि कितने जो नेपाल के लोग हैं वो भारत में कहाँ पे कितनी ज़मीन खरीदे हैं। नेपाली नागरिकों सहित भूमि का स्वामित्व उत्तराखंड राज्य द्वारा दर्ज किया जाता है और जो भूमि का जो टैक्स होता है, जैसे जो घर बनवाते हैं उसका जो टैक्स होता है उसके साथ ही यहाँ पे उत्तराखंड राज्य में वसूला जाता है। जहाँ तक पौराणिक मान्यता की बात है, स्कंद पुराण और यहाँ तक कि हिमालय गजेटियर्स के अनुसार स्कंद पुराण के साथ हर पुराण में ओम पर्वत और आदि कैलाश को भारतीय सभ्यता के विचार के केंद्र के रूप में माना जाता है। नेपाल के वर्तमान राजनीतिक लोगों को यह समझने की आवश्यकता होगी कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव जो ओम पर्वत को हिंदू जैन सिख तीर्थार्थियों से दूर ले जाता है वह इससे ज़्यादा समस्याएं पैदा करेगा। जो अभी छोटा मोटा जो विवाद है ये आगे चलकर और बड़ा विवाद बन सकता है अगर ऐसा कोई भी प्रस्ताव पेश किया जाता है। इस बात को ब्रिटिश तिब्बती और चीनी सरकार भी अच्छी तरह से समझती थी। इन सब की शुरुआत 1841 में जोरावर सिंह कहलूरिया के अभियानों के माध्यम से की गई थी। इसी क्रम में एक और बात की जाए, एडविन टी एटकिंसन के लिखे गए हिमालय गजेटियर्स के अध्याय 5 में अगर आप देखेंगे तो कुमाऊं हिल्स के जियोग्राफी और एंथ्रोपोलॉजी जो आपका मनुष्य जाति विज्ञान के बारे में यहाँ पे जानकारी दी जाती है के हिसाब से रिकॉर्ड दस्तावेज में 1817 में जो डिवीजन है के विभाजन के समय की गई जो संधि है उसकी व्याख्या यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में किया गया है और बताया गया है कि कब कब किन किन कारणों से विवाद होता रहता है और पूरी जानकारी यहाँ पे रखी गई है। यही नहीं, डोटी के गवर्नर कप्तान वेब वेम शाह ने इस बात को निर्णायक रूप से प्रदर्शित भी किया है कि काला पानी से उत्पन्न होने वाली कम धारा को काली नदी का उद्गम माना जाता था। अंत में आपको बता दें कि 4 फरवरी 1817 से 10 अक्टूबर 1817 तक इन रिकॉर्डों को गार्डिनर ने नेपाल में पहली ब्रिटिश रेजिडेंट और नेपाल दरबार के बीच में पत्राचार को भी रखा है। तो यहाँ पे ये लगाया गया है इमेज, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं विस्तार से कि क्या इन्होंने जो कप्तान थे डोटी के गवर्नर थे वेब वेम शाह ने क्या कहा है इस काली नदी को लेकर, जिसको लेकर आज दोनों देश के बीच में विवाद हो चुका है। इसी प्रकार से बने रहिए, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आप सभी को सूचित करूंगा। इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।